अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कैंडल्स की, और ऐसी कैंडल्स की जो कि एक बार जलाने के बाद जब हम उसे बुझाएंगे तो वो दोबारा जल जाएंगी, यानी कि मैजिक कैंडल्स की। तो आज हम मैजिक रिलाइटिंग कैंडल्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि इस तरह के पैकेट में आपको मिल जाएंगी। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या आप अपने करीबी टॉय स्टोर से, या फिर जहाँ पर बर्थडे की आइटम्स मिलती हैं वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो मैंने इसे 35 रुपीज़ में बाय किया है, और ये एक येलो कलर का पैकेट है, और ये मेड इन चाइना है, और इस पैकेट के अंदर आपको 10 कैंडल्स मिलेंगी, और कैंडल्स के साथ आपको कैंडल होल्डर्स भी मिलेंगे, जिसकी मदद से आप इसे केक के अंदर वगैरह में लगा सकते हैं। तो बैक साइड पर इंस्ट्रक्शंस और कॉशंस लिखी हुई हैं, और आगे हमारी कैंडल्स हैं, तो इनको लगाने के लिए केक की ज़रूरत होगी, तो केक ले आते हैं। तो हमने अपना हमारा केक आ गया है, तो हम इसे साइड पर रखते हैं और अपने कैंडल्स के पैकेट को खोल लेते हैं। तो हम अपने पैकेट को खोल लेते हैं और अपनी कैंडल्स को कैंडल होल्डर के जरिए केक पर लगा लेते हैं। तो हम अपनी कैंडल्स को लगा लेते तो हमने अपनी कैंडल्स को लगा लिया है, और अब इसे हम जला कर देखेंगे। होल्डर कैंडल होल्डर के साथ मैंने लगाया है, ताकि हमारा केक के ऊपर ये सही तरह खड़ी रहे। तो हमने अपनी कैंडल्स को लगा लिया है, और अब हम इसे जला कर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल अभी बुझी थी तो दोबारा जल गई, लेकिन एक ये नहीं चली तो इसे हम दोबारा जला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल्स जल गई हैं। तो हमारी कैंडल जल गई हैं, तो अब हम इसे बुझा कर देख सकते हैं कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि साथ साथ स्पार्कल कर रही हैं हमारी कैंडल्स। तो मैं इसे बुझा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल्स दोबारा जल गई हैं, तो अब मैं इसे अच्छी तरह बुझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि ये दोबारा जलती हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक कैंडल जल गई है, बाकी कैंडल्स नहीं जली। तो हम इसे दोबारा जलाकर एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो हमने अपनी कैंडल्स को दोबारा जला लिया है, अब हम इसे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कैंडल दोबारा जल जाती है, और हमारी दो कैंडल जल गई हैं। ये देखिए, हमारी कैंडल दोबारा जल गई, और वो भी जल गई है। तो वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है, आप इसे ज़रूर बाय करें। और एक बात के ये कैंडल्स जब आप जलाएंगे तो शुरू में, तो ये हम इसे बुझाते हैं तो ये दोबारा
बंद हो जाती हैं। इन्हें दोबारा जलने के लिए ज़रा 1 मिनट चाहिए होता है। आप इसे 1 मिनट तक जलने दें, उसके बाद आप इसे बुझाएं तो फिर ये सही काम करेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैंडल कैसी लगी और क्या मैं इस तरह की और अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ अपलोड करूँ या ना करूँ। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।